ऐसे वक्त में जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग रूस में हैं, रूस के सबसे बड़े दुश्मन नेटो ने बहुत बड़ा फैसला लिया। रूस के हमले से बचने के लिए नेटो ने एडवांस तैयारी शुरू कर दी है। नेटो जो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य संगठन है, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे सुपर पावर समेत 30 देशों का संगठन नेटो 3 लाख की फौज रूस के बॉर्डर पर अगले 10 दिनों के अंदर लॉन्च करने वाला है। नेटो ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है, लेकिन नेटो ने अचानक इतना बड़ा फैसला आखिर क्यों लिया? क्या जिनपिंग की मॉस्को विजिट के बाद दुनिया का अगला वर्ल्ड ऑर्डर तय हो गया है? हर बड़ी खबर पर बात करेंगे, लेकिन पहले वो सवाल जो नेटो के एक्शन से उठ रहे हैं। सवाल नंबर 1, क्या नेटो से टक्कर का प्लान बना रहा है रूस और चीन? सवाल नंबर 2, रूस के बॉर्डर पर 3 लाख सैनिक आखिर नेटो क्यों भेज रहा है? वजह क्या है? क्या व्लादिमीर पुतिन किसी नेटो या यूरोपीय देश पर हमला करने वाले हैं? क्या गैर नेटो देश के लिए रूस से युद्ध करेगा नेटो? और क्या तीसरे विश्व युद्ध का बैटल ग्राउंड, युद्ध भूमि क्या तैयार हो चुका है? इस पर बात करेंगे। और देखिए, अब आपको नेटो की पूरी तैयारी के बारे में हम बताते हैं कि क्या तैयारी है। तो यहां पर आप इस बात से समझिए कि नेटो ने एक व्यूह की रचना की है। वो व्यूह की रचना हम क्यों कह रहे हैं, तो इस बात को आप यहां पर ऐसे समझिए कि रूस के पड़ोसी देशों में सबसे बड़ी सेना कौन भेजेगा? नेटो सबसे बड़ी सेना यहां पर भेजेगा। इसके अलावा नेटो देशों में रूस की तरफ से बड़े हमले का डर है। रूस की तरफ से जो नेटो के देश हैं उनसे लगे हुए, उसमें एक बड़े खतरे का डर। इसके साथ ही नेटो के सभी 30 सदस्य देशों के सोल्जर यहां पर जाएंगे। जितने भी नेटो में जितने भी देश आते हैं, इन सभी के सोल्जर 3 लाख सैनिक, रूस के 5 पड़ोसी देशों में 3 लाख सैनिक तैनात किए जाएंगे। और यह पूरा बॉर्डर रूस से लगता हुआ कब? अगले 10 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर रूस बॉर्डर पर यह तैनाती होगी। और यहां पर यह हम आपको बता रहे कि अगले 10 दिन के अंदर यह सब होगा। नॉर्वे, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये वो देश हैं जो रूस की सीमा से लगते हैं, वहां पर 3 लाख सैनिकों की तैनाती की जाएगी। नेटो की व्यूह रचना ये हम आपको बता रहे हैं। ये वो देश भी हैं जहां पर ये पूरी तैनाती यहां पर की जा रही है। अब आप इसको और बारीकी से समझिए, क्योंकि ऐसे अभी हमने आपको बताया कि इन इन देशों में 3 लाख सैनिक तैनात होंगे, तो आप ऐसे शायद ना समझ पाए, इसलिए आपको ज्योग्राफिकल मैप के जरिए हम समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर नेटो कहां कहां अपनी सेना की तैनाती करने जा रहा है, कैसे रूस के खिलाफ चक्रव्यूह रचा जा रहा है, तो ये हम आपको बताते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि नेटो का चक्रव्यूह, तो यहां पर अब आप देखेंगे ये रेड पोर्शन में ये पूरा हो गया नेटो। अब जो 3 लाख सैनिकों की बात की जा रही है वो कहां पर तैनात होंगे, तो यहां पर आप इसको देखिए, ये हो गया आपका लातविया, ये आपका लातविया हो गया, एस्टोनिया हो गया, ये आपका फिनलैंड हो गया, फिनलैंड और इसके साथ ही ये पोलैंड, स्वीडन, ये पूरा नॉर्वे, ये पूरा नॉर्वे और ये रूस का बॉर्डर। तो यहां पर आप ये देखेंगे, ये जो पूरा बॉर्डर यहां पर लगता हुआ है, इस पूरी जगह पर, यहां पर ये नॉर्वे भी, इस पूरी जगह पर 3 लाख सैनिक तैनात किए जाएंगे और ये नेटो के साथ के जितने भी नेटो में देश हैं वो सभी लोग अपनी तरफ से ये सैनिकों की तैनाती करेंगे। और इस पर हम बात करेंगे, हमारे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड जी द्विवेदी जी, डिफेंस एक्सपर्ट हैं, जुड़े हुए हैं। द्विवेदी सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत से लोगों के मन में सवाल चल रहा है कि आखिर क्या जरूरत थी कि 3 लाख सैनिकों को नेटो को तैनात करना पड़ेगा, अगले 10 दिनों में तैनात हो जाएंगे रूस के बॉर्डर पर, क्या होने वाला है आने वाले दिनों में? देखो, आपने बहुत अच्छी तरह दक्षिण पर समझाया है। क्या है कि अगले 10-15 दिन बहुत अहम है। अभी रशिया का स्प्रिंग ऑफेंसिव यानी कि वो शुरू होने वाला है, शुरू हो ही गया है, तो उसमें बहुत ही आगे और भी गति आएगी। दूसरा है कि अभी अभी शी जिनपिंग वो मॉस्को में है और उनकी पुतिन साहब से बहुत अहम मीटिंग चली है, और इस मीटिंग के 3-4 संकेत मिलते हैं। सबसे पहले संकेत यह है कि चीन रशिया के साथ खड़ा है और रशिया चीन की मदद के बिना यह युद्ध नहीं लड़ सकता, क्योंकि चीन से बहुत मदद मिल रही है। एक तो आर्थिक मदद है, चीन और रशिया का अभी जो
व्यापार है, उनकी ट्रेड है $190 बिलियन, यानी कि चीन की जो आर्थिक हालात है वो काफी हद तक जो चीन पर निर्भर है, रशिया के हालात। दूसरी बात है कि पॉलिटिकल जो उनको सहायता है वो भी मिल रही है, और एक संकेत भी दिया है उन्होंने नेटो देशों को, अमेरिका को, क्योंकि अच्छा उनका जो संगठन है ये नेटो अमेरिका के विरुद्ध है, और उन्होंने ये बताया है कि ये जो संगठन है और भी मजबूत है। तो अच्छा ये संकेत जो मिल रहे हैं तो इससे नेटो देशों को परेशानी भी है, तनाव भी है। तो उन्होंने ये जो अभी प्रिकॉशनरी डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं, जो आपने बताया तकरीबन 3 लाख सैनिक जो हैं वो लगाएंगे, और कहाँ कहाँ पर जो जो देश उनके बहुत ही जिनको खतरा है, सबसे पहले बाल्टिक स्टेट्स हैं, जो आपने 3 बताई स्टेट, एस्टोनिया, लिथुनिया, लातविया। लैटविया, ये बिल्कुल रशिया के साथ लगती है, और साथ ही साथ नॉर्वे, फिनलैंड है, इनको भी खतरा है, साथ पोलैंड है। तो ये सभी जो यहाँ अपने डिफेंस मजबूत करेंगे ताकि रशिया को भी पता लगे कि अगर वो आक्रमण की कोई भी ऐसी हरकत करते हैं उसका बहुत कड़ा जवाब मिलेगा। तो हाँ ये तैयारी की हालत है। ये नेटो की तरफ से तैयारी की गई। अच्छा सर, आप बने रहें, एक और बड़ी खबर है, जरा वो हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। और वो बड़ी खबर क्या है? यूक्रेन के पड़ोसी देशों में हमले का डर है, और यह बताया जा रहा है कि कई यूरोपीय देशों को रूस के हमले का डर सता रहा है। कई यूरोपीय देशों को रूस के हमले का डर है, और रूस के डर की वजह से नेटो इन एक्शन अब नजर आ रहा है। पोलैंड, मोल्दोवा को रूस के हमले का डर सता रहा है, और नेटो ने कहा कि आप क्यों डर रहे हैं, हम है ना नेटो में, अगर जो जुड़ा है उसकी सुरक्षा नेटो करेगा। जितने भी देश हैं, किसी पर भी हमला होता है तो नेटो तैयार है, और इसलिए नेटो यह पूरी तैयारी यहां पर कर रहा है। कई यूरोपीय देशों को रूस के हमले का डर सता रहा है। तो जिन देशों के बारे में यहां पर हमने जिक्र किया है, जिसमें पोलैंड और मोल्दोवा भी शामिल है, तो अब हम आपको मैप के जरिए बताते हैं कि उन देशों के बारे में जिन्हें रूस से सबसे ज्यादा खतरा है, अगर यूक्रेन हारा या युद्ध यूक्रेन से बाहर गया, तो वो कौन से देश हैं जो रूस के पहले टारगेट पर होंगे। कौन होगा अगले टारगेट पर? सबसे पहले नाम आता है किसका? पोलैंड का। ये रूस, ये यूक्रेन, युद्ध चल रहा है, लेकिन उसके बाद टारगेट पर कौन आएगा? ये पोलैंड सबसे पहले टारगेट पर, उसके बाद किसका नंबर आएगा? तो यहां पर देखिए, रूस की सीमा से ये कौन सा देश लगा है? फिनलैंड। ये ग्रीन ग्रीन में आप जो देख रहे हैं, ये लगा है फिनलैंड। फिर ये उसके निशाने पर आएगा। फिनलैंड से थोड़ा सा आप आगे जाएंगे तो यहां पर आप देख रहे हैं, ये तो देखिए पूरा नॉर्वे हो गया, ये पूरा नॉर्वे हो गया, और ये हो गया स्वीडन। तो स्वीडन पर खतरा मंडराएगा, और ये देश इस बात को बखूबी समझते हैं कि रूस यहां पर रुकेगा नहीं। मोल्दोवा, मोल्दोवा शहर आप ये देखेंगे, ये यूक्रेन से बिल्कुल सटा हुआ ये इलाका है। यहां पर आप देखेंगे ये क्रीमिया, और ये पूरा ब्लैक सी, और ये मोल्दोवा, और क्रीमिया पर रूस अपना दावा यहां पर करता हुआ है, और ये रूस से इसको भी खतरा यहां पर होगा। तो ये तो आपने यहां पर देख लिया कि बाकी के देश इस वक्त क्यों डरे हुए हैं। तो नेटो चक्रव्यूह तो रच रहा है, लेकिन पुतिन की व्यूह रचना में ये बुरी तरह फंस गया है। अब कैसे, ये भी हम आपको बताते हैं। तो क्या पुतिन की व्यूह रचना में नेटो फंस गया है, ये हम क्यों बोल रहे हैं? तो इस बात को ऐसे समझिए कि सभी नेटो देशों को रूस से बचाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। सभी नेटो देशों को रूस से बचाना, क्योंकि बहुत से छोटे छोटे देश हैं जो अभी हमने आपको मैप में दिखाए थे, वो सब जुड़े हुए हैं, बहुत छोटे छोटे ऐसे देश हैं। इसके अलावा सभी नेटो देशों को रूस से बचाना ये तो बहुत बड़ी चुनौती है ही, लेकिन इसके अलावा 13 महीनों के युद्ध में कई देशों के खजाने खाली हो गए, बचा नहीं है, निलबटे सन्नाटा जिसे कहा जाता है वो हो गया है। यूक्रेन युद्ध में कई देश को आर्म्स डिपो जो है वो खाली हो गए, क्योंकि सब मदद तो यूक्रेन की कर रहे हैं, हथियारों का जखीरा पहुंच रहा है, धड़ाम फूट रहा है, और इसीलिए खाली भी हो रहा है। 80% देखिए इस बात पे गौर कीजिए कि 80% नेटो देशों के पास हथियारों की कमी है। रूस भी बहुत अच्छे से समझता है इस बात को। मोल्डोवा की बात करें, फिनलैंड की बात करें, स्वीडन तो नेटो मेंबर भी नहीं है। फिनलैंड नेटो मेंबर नहीं है, स्वीडन, मोल्डोवा, लेकिन इसीलिए कहा जा रहा है कि नॉन नेटो देशों पर अगर आक्रमण हुआ तो फिर नेटो क्या करेगा। नेटो को ये सारी चीज समझनी होगी, नेटो जानता है कि आगे कैसे बाकी देशों को भी सुरक्षित रखना है। जी जी द्विवेदी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। द्विवेदी सर, मैंने जो अभी समझाया, दर्शकों तक बात पहुंचाने की कोशिश की, जो नॉन नेटो देश हैं उनको भी खतरा यहां पर महसूस हो रहा है,
तो क्या उनके लिए नेटो लड़ेगा? देखो, नेटो की एक संधि है कि जो भी 30 देश उनके उस संगठन में हैं, वो वचनबद्ध है एक दूसरे की सहायता करने के लिए। अगर किसी एक पर आक्रमण होता है तो ये माना जाता है कि पूरे नेटो पर आक्रमण हुआ है, तो उनका ये एक संधि है। अभी आपने पूछा कि नॉन नेटो देशों को क्या सहायता मिलेगी। देखो, फिनलैंड ने तो ऑलरेडी उन्होंने अप्लाई किया हुआ है नेटो की मेंबरशिप, तो वो जल्दी ही नेटो के मेंबरशिप बन सकते हैं। अब यूक्रेन जो है नेटो का मेंबरशिप नहीं है, तो चाहे उन्होंने डायरेक्ट मदद दी कि पर पूरी मदद तो चाहे वो हथियार है, चाहे वो आर्थिक मदद है, इंटेलिजेंस है, साइबर ऑपरेशन है, वो सारे तो मदद मिल रही है। सिर्फ ये है कि जो नेटो के जो सोल्जर हैं, सिपाही हैं अमेरिका के, वो यूक्रेन नहीं है, पर बाकी सारी मदद मिल रही है। और आजकल का युद्ध ऐसा है कि जिसमें सैनिक के अलावा आप और बहुत मदद कर सकते हैं, जैसे इंटेलिजेंस का मदद है, हथियारों की मदद है, और इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर है, ये सारी मदद की जा सकती है। तो इसलिए जो नॉन नेटो देश है, स्पेशली जो नॉर्वे है, फिनलैंड है, वो उसको भी मदद मिल सकती है, क्योंकि उसको खतरा है। और एक बहुत जरूरी बात है, देखो जैसे ये युद्ध अभी तो यूक्रेन तक ही सीमित है, ये युद्ध है यूक्रेन से ज्योग्राफिक बाउंड्री बाहर भी जा सकता है, स्पेशली जबकि जो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, सबसे ज्यादा मदद जो है पोलैंड कर रहा है, साथ ही साथ बाकी जर्मनी है, फ्रांस है, उनको जो सप्लाई लाइन है उनको अगर आक्रमण करेगा रशिया, तो ये युद्ध जो है यूक्रेन के बाहर हो जाएगा। और साथ ही साथ जैसे आप मल्डोवा का बताया, उनको बहुत ही खतरा है, क्योंकि मल्डोवा में वहाँ अलगावादी ग्रुप है जिनकी रशिया पूरी तरह मदद कर रहा है। तो संक्षिप्त में यही बताऊंगा कि ये एक तैयारी है, एक खतरा है कि युद्ध अगर अच्छा बहुत छोटा सा जवाब दीजिएगा द्विवेदी जी, बहुत छोटा सा, कि देखिए यूक्रेन को तो जाने नहीं दिया, फिनलैंड से भी बहुत सीमा रूस की लगती है, तो क्या फिनलैंड को इतनी आसानी से जाने देगा रूस? देखो ऐसे है कि बात आपकी बिल्कुल ठीक है, पर फिनलैंड की जो हालात है वो यूक्रेन के नहीं है, क्योंकि यूक्रेन एक टाइम रशिया का हिस्सा था। हाँ। और उससे उसका बहुत ही एक नाजुकता आ जाती है, क्योंकि वो उसका हिस्सा था, और डायरेक्टली अगर यूक्रेन चले आता है तो उनका बॉर्डर डायरेक्टली नेटो का। अच्छा, तो वहां से जज्बात जुड़े थे इसलिए वहां पर आक्रमण कर दिया, ये भी कहा जा सकता है कि अपना ही एक अंश था इसीलिए। बहुत बहुत शुक्रिया द्विवेदी सर, आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत बारीकी से आपने अपनी बात भी यहां पर रखी है। तो यहां पर आगे बढ़ते हैं और एक बहुत बड़ी खबर की बात करते हैं। यूक्रेन को जल्द 17 MiG-29 जेट मिलने वाले हैं। अब ये कौन देगा? देखिए पोलैंड की अभी बात कर रहे थे हमारे डिफेंस एक्सपर्ट कि पोलैंड ने बहुत मदद करी है, पोलैंड और स्लोवाकिया MiG-29 विमान देंगे। यूक्रेन को 4 MiG-29 विमान पोलैंड देगा और 13 MiG-29 फाइटर जेट स्लोवाकिया देगा। ये दोनों देश मदद करेंगे यूक्रेन की MiG-29 फाइटर जेट विमान 17 दिए जाएंगे, जिसमें से 13 स्लोवाकिया की तरफ से और 4 पोलैंड की तरफ से, और ये यूक्रेन को मिलेंगे। और इसीलिए ये बाकी के देश कह रहे हैं कि हमें भी खतरा है भाई, क्योंकि रशिया जानता है यूक्रेन की मदद कौन से देश कर रहे हैं, कौन कौन से देश हथियार मुहैया करा रहे हैं। तो ऐसे में अगला टारगेट क्या होगा? और सबसे बड़ी बात, जब भी चीन के राष्ट्रपति से मिलते हैं व्लादिमीर पुतिन, उसके बाद कुछ ना कुछ बड़ा हो जाता है। तो अब और खतरा मंडरा रहा है कि भैया अभी जिनपिंग यहां पर मौजूद हैं,